हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए ज्योग्राफी के एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं, जो कि है जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड अर्थ मूवमेंट, यानी कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं। यहाँ पर ये भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है और अर्थ का मूवमेंट किस तरीके से होता है, इसके बारे में आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। अगर आप ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस, तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस होती क्या। द फॉर्मेशन एंड डीफॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर अ कंटीन्यूअस प्रोसेस व्हिच इज ड्यू टू द कंटीन्यूअस इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस। हमारी धरती के जो सरफेस है, उस पे जो लैंड फॉर्म्स हैं, उसका फॉर्मेशन होना, यानी कि उसका बनना और मिटना, दोनों ही एक कंटीन्यूअस प्रोसेस होती हैं। और ये किसकी वजह से होती हैं? ये एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस की वजह से होती हैं। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस कॉजिंग स्ट्रेस एंड केमिकल एक्शंस ऑन अर्थ मटेरियल एंड ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स होते हैं, ये हमारी अर्थ में स्ट्रेस और केमिकल एक्शंस को बनाते हैं। उनकी वजह से अर्थ का मटेरियल जो है वो धीरे धीरे कर चेंज होता है, और उसकी जो कॉन्फिगरेशन है अर्थ सरफेस की, ये भी क्या होती है, चेंज होती है, इसमें भी बदलाव होता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं, यानी कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं। एंडोजेनिक फोर्स, अब यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया कि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स लगता है, तो यहाँ पर एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है, ये होता है इंटरनल फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स आर दोज इंटरनल फोर्स व्हिच डेराइव देयर स्ट्रेंथ फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द अर्थ क्रस्ट। सो एंडोजेनिक फोर्स इंटरनल फोर्स होते हैं, जो कि अर्थ सरफेस में इंटीरियर वर्क करते हैं। ये क्या करते हैं, अर्थ की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, और इनका मेन काम ये होता है कि जो अर्थ क्रस्ट रहता है उसको शेप करने में ये रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो माउंटेन बिल्डिंग फोर्स, जैसे कि माउंटेन बिल्डिंग फोर्स, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्स, अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म। अब हम इंटरनल की बात कर रहे हैं, अगर अर्थक्वेक आता है तो ये किस फोर्स का कारण होगा, ये होगा एंडोजेनिक फोर्स, जो अंदर से अर्थ क्रस्ट पे लगा है और इसकी वजह से भूकंप आया। वॉल्केनो जब फटते हैं तो पूरा जो लावा है वो ऊपर आता है और अर्थ में एक बहुत बड़ा सा होल हो जाता है। इसको भी हम क्या कहेंगे, ये एंडोजेनिक फोर्स की वजह से ही होता है। द एंडोजेनिक फोर्स आर मेनली लैंड बिल्डिंग फोर्स, ये जो एंडोजेनिक फोर्स होते हैं ये मेनली क्या होते हैं, लैंड बिल्डिंग फोर्स होते हैं। द एनर्जी एमिनेटिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ इज द मेन फोर्स बिहाइंड एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। दिस एनर्जी is mostly generated by radioactivity, rotational and tidal friction and primordial heat from the origin of the earth. ज़्यादातर क्या होता है, ये जो endogenic force रहता है, geomorphic process का ही ये एक part है, क्योंकि इसकी वजह से ही ये process होती है। geomorphic process क्यों होती है, geomorphic process का मतलब ये है कि जो earth का structure है, जो earth का crust है, उसमें बदलाव होना, और उसका कारण है endogenic force, जो कि एक इंटरनल फोर्स है। ये इसकी वजह से ये अर्थ क्रस्ट के स्ट्रक्चर में चेंज आता है। लेकिन ये होता क्यों है, ये या तो रेडियो एक्टिविटी की वजह से होता है, या रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन की वजह से होता है, या फिर उस हीट की वजह से होता है जो अर्थ के अंदर ओरिजिनेट होती है। एक्सोजेनिक फोर्स, अभी हमने बात किया एंडोजेनिक फोर्स की, अब होता है एक और एक्सोजेनिक फोर्स। ये एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है, सो एक्सोजेनिक फोर्सेस which derives their strength from the earth exterior or are originated within the earth atmosphere. Endogenic force तो earth के अंदर होता है, यानी कि जो भी role play करता है वो earth के अंदर करता है, और वो earth की shape को बिगाड़ता भी है, बनाता भी है, तो भी internal force है।
लेकिन ये जो एक्सोजेनिक फोर्स होता है ये होता है एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटीरियर भाग में होता है यानी अर्थ के ऊपर होता है, ये जो अर्थ का एटमोस्फेयर है ना वहां पर ये एक्सोजेनिक फोर्स पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल बहुत आसानी से समझ आएगा आपको, द विंड्स वेव्स एंड वाटर, पानी में उठने वाली वो लहरें, पानी में उठने वाला बहाव और वो तेज हवा, ये सभी कुछ क्या है, ये है आपका एक्सोजेनिक फोर्स जो कि बाहर की तरफ से अर्थ पर लग रहा है, ऊपर से लग रहा है। वेदरिंग, मास मूवमेंट्स, इरूजन, डिपोजिशन, ये सभी कुछ एक्सोजेनिक प्रोसेस के ही एग्जांपल हैं। एक्सोजेनिक प्रोसेस आर मेनली लैंड वेयरिंग फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है, ये लैंड वेयरिंग फोर्स कहा जाता है। एक्सोजेनिक फोर्स कैन टेक द फॉर्म ऑफ वेदरिंग, इरूजन एंड डिपोजिशन। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सर्फेस फॉर डिफरेंट एजेंट्स। एक्सोजेनिक फोर्स ज्यादातर क्या करता है, वेदरिंग, इरूजन और डिपोजिशन का काम करता है। वेदरिंग एक्चुअल में क्या होता है, वेदरिंग होता है कि जो रॉक्स रहती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें रहती हैं अर्थ सरफेस की, वो टूट जाती हैं। किसके द्वारा टूटती है ये, या तो बड़ी बड़ी नदियां, कभी कभी बड़ी बड़ी चट्टानें नदियों के बहाव से भी टूट जाती हैं, विंड फोर्स की वजह से भी टूटती हैं, सी वेव्स की वजह से, जो ग्लेशियर्स गिरते हैं बर्फ के उनकी वजह से। इरोजन होता है, इरोजन भी एक्सोजेनिक फोर्स का ही एक कारण है। ये क्या होता है, इरोजन इज द कैरिंग ऑफ ब्रोकन रॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय नेचुरल एजेंट्स। इरोजन वो होता है कि जो टूटी हुई चट्टाने होती हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, लेकिन वो ह्यूमन बींग नहीं करते, वो नेचुरल एजेंट्स के थ्रू उन्हें एक जगह से दूसरी जगह कौन पहुंचा रहा है, वो ग्लेशियर्स, पानी, विंड, इनके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, उसको हम कहते हैं इरोजन। The action of exogenic force results in wearing down degradations of relief elevations and filling up. अब यहाँ पर जो exogenic force होता है उसकी वजह से क्या होता है, कई जगह तो degradation हो जाता है, कई जगह elevation हो जाता है, aggregations of basins, depression on the earth surface, the phenomena of wearing down of relief variations of the surface of the earth through erosion is known as degradation. यानी कि अर्थ सरफेस में जो वेयरिंग डाउन होता है और उसकी वजह से जो होल क्रिएट हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेडेशन कहते हैं। फिर होता है जियोमॉर्फिक एजेंट। ये जियोमॉर्फिक एजेंट्स क्या होते हैं, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड्स, वेव, करंट, ये क्या होते हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं। जियोमॉर्फिक एजेंट्स वो होते हैं जो इन एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस की मदद करते हैं अर्थ के शेप को या अर्थ के क्रस्ट को डिफरेंट करने में। तो ये रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड्स, वेव्स, करंट्स, ये सभी क्या है, जियोमॉर्फिक एजेंट्स। जियोमॉर्फिक प्रोसेस वर्सेस जियोमॉर्फिक एजेंट की अगर हम बात करें कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है और जियोमॉर्फिक एजेंट्स क्या है, तो ये एक प्रोसेस होती है, इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन अर्थ मटेरियल अफेक्टिंग द सेम। An agent is a mobile medium like running water, moving ice masses, the wind, waves and current which removes, transport and deposit earth material. Geomorphic process वो होती है जो किसी भी earth material पर apply होती है और उसको affect करती है, जैसे हम कह सकते हैं earthquake है, ये geomorphic process हो सकती है। लेकिन geomorphic agents वो होते हैं जैसे कि running water है, moving ice masses हैं, wind waves हैं, current है, ये क्या करता है, ये अर्थ मटेरियल को या तो ट्रांसपोर्ट कर देता है एक जगह से दूसरी जगह या फिर डिपॉजिट कर देता है। जैसे अगर हम बात करें कि अर्थक्वेक आया है तो इसमें जियोमॉर्फिक एजेंट्स क्या करें, अर्थक्वेक आया है तो पानी के बहाव की वजह से बड़ी बड़ी चट्टानों को एक जगह से दूसरी जगह अगर वो ले जाएंगे तो लोगों को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अर्थ में कहीं बड़े बड़े होल भी क्रिएट हो सकते हैं, तो जियोमॉर्फिक एजेंट क्या करते हैं, ये अर्थ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट और डिपोजिशन का काम है। और जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होती है, ये अर्थ मटेरियल्स को अफेक्ट करती है, ये अंतर है। अब हम अर्थ मूवमेंट्स की अगर बात करें तो दे आर द मूवमेंट इन द अर्थ क्रस्ट कॉज्ड बाय द एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स। सो अर्थ मूवमेंट्स वो होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में होते हैं, किसकी वजह से, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक दोनों फोर्सेस की वजह से होते हैं। दीज मूवमेंट आर ऑल्सो टर्म्स एज टेक्टोनिक मूवमेंट। और ये अर्थ मूवमेंट को हम एक नाम और दे सकते हैं जिसे हम कहते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट्स। द टर्म टेक्टोनिक डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टेक्टोन व्हिच मींस बिल्डर। ये टेक्टोनिक जो शब्द है
ये ग्रीक शब्द टेक्टोन से डराइव किया गया है जिसका मतलब होता है बिल्डर्स. As the word means, these movements are mainly builders and have been responsible for building up of different types of landforms. So, यहाँ पर ये जो earth movements रहते हैं, ये एक mainly builders रहते हैं, जो कि responsible रहते हैं अलग-अलग landforms को बनाने के लिए. अब earth crust में अगर movement होंगे, भले चाहे वो exogenic की वजह से हो या फिर endogenic की वजह से हो, वो कई different landforms को create भी करेंगे. अगर समतल जमीन है तो उसे बिगाड़ भी सकते हैं और अगर नहीं है तो उसको सही भी कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द अर्थ मूवमेंट्स. तो यहाँ पर हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होती है और जियोमॉर्फिक एजेंट्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इन्फॉर्मेशन को कवर किया है. आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट. अगर आज आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही बने रहे हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट के साथ. फॉलो करें हमारे Facebook एंड Instagram पेज को. जय हिंद, जय भारत.